आप, मैं जो बताऊंगी वो आप लिख भी सकते हैं। उस दिन मैंने आपको जो बताया था वो मैं आज बता देती हूँ कि आपको आईब्रो थ्रेडिंग बनाने के लिए किस किस सामान की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो आपको धागा, ठीक है, धागा मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सा वाला धागा चाहिए। दूसरा आपको चाहिए छोटा सीज़र, ठीक है। उसके बाद चाहिए आपको पाउडर, आप कोई भी पाउडर ले सकते हैं, लेकिन आप नाइसिल का या जॉनसन्स बेबी का लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी लगाते ही फ्रेंड काफ़ी ड्राई हो जाता है और अच्छा रहता है, एंटीसेप्टिक भी रहता है, ठीक है। आपको चाहिए प्लकर, प्लकर से क्या है, कई बार हमारे थेट से जो बाल छूट जाते हैं एक दो, या हम नीचे के प्रॉपर बाल नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए हमें प्लकर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। मैं आपको प्लकर बता दूंगी। ठीक है, मॉइस्चराइज़र या टोनर ये आपको आईब्रो के बाद लगाना है फ्रेंड। इससे क्या होता है कि आईब्रो में स्वेलिंग आ जाए या कुछ हल्का फुल्का कट लग जाए तो प्रॉपर ठीक हो जाता है, ठीक है। टोनर एस्ट्रीजेंट लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एस्ट्रीजेंट से क्या होता है, काफ़ी ठंडक मिलती है, अगर थोड़ा बहुत कट जाता है धागा चलाते समय तो आप एंटीसेप्टिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो दिन में आपका ठीक हो जाएगा। तो आप मॉइस्चराइज़र या टोनर आपको लगाना है और हल्की फुल्की आपको मसाज दे देनी है फ्रेंड। इससे क्या होता है, कस्टमर को एक तो रिलैक्स मिलता है, जिसके हम आईब्रो बना रहे हैं अगर हम उस स्टार्टिंग में अगर खींच भी देते हैं, स्किन थोड़ी खींच जाती है स्टार्टिंग में, होता है फ्रेंड ऐसा कि प्रॉपर धागा नहीं चल पाता है, बनाने में थोड़ा कट भी लग जाता है, स्वेलिंग भी आ जाती है, टाइट हाथ चलता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप टोनर या एक्सट्रीजेंट लगा कर थोड़ी देर एक दो सेकेंड मसाज कर दीजिए बस, उससे क्या होगा कि उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और वो बिल्कुल आपको नहीं बोलेंगी, अगर थोड़ी आईब्रो मिस्टेक हो जाए तो ये भी नहीं बोलेंगी कि आपने मेरी आईब्रो बिगाड़ दी, ठीक है ना। उनको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है। तो ये आप ध्यान रखिए कि सामने वाले को खुश करना हमारे हाथ में रहता है फ्रेंड, ठीक है। तो अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए, थोड़ी सी उनको मसाज दीजिए, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। कोशिश ये कीजिए कि स्टार्टिंग में आप आईब्रो को शेप बनाकर उसके बाद ही आईब्रो बनाएं। ये तो हो गई आपको मैं क्या क्या चीज़ें आईब्रो में लगने वाली हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, आईब्रो आप कपड़े पर पहले शेप बना लीजिए, उसके बाद अगर आप धागा चलाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आईब्रो बनेगी। देखिए आईब्रो किस किस तरह की होती है, एक तो आईब्रो होती है फ्रेंड, काफ़ी सारी तरह की आईब्रोज़ बनती हैं फ्रेंड, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरह से बनाते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी तरह की आईब्रोज़ होती हैं। तो आप कपड़े पर इस तरह से आईब्रो की ड्राइंग बना लीजिए और आप ड्राइंग के आसपास अगर धागा चलाएंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी सीखने में, हमारा धागा प्रॉपर वहीं चलेगा, ठीक है। आईब्रो हमको बिल्कुल नहीं छेड़नी है, आपको आईब्रो के आसपास का जो कपड़ा है वहीं पर आपको
धागा चलाना है, ठीक है। ये देखिए आईब्रो के आसपास ही आपको धागा चलाना है, बिल्कुल आपको आईब्रो के अंदर आपको बिल्कुल कपड़े को हाथ नहीं लगाना है। तो आप जितने भी रवें हैं कपड़े में वो आसपास के सारे रवें निकल कर आ जाने चाहिए। इस तरह से ड्राइंग बनाकर करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आईब्रो बनाने में, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि आईब्रो बनाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र या एस्ट्रीजेंट ज़रूर लगाना है, थोड़ी देर मसाज कर देनी है जिससे कि थोड़ा रिलैक्स फील हो और स्किन में स्वेलिंग नहीं आए। कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ सेल्फ। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सेल्फ क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो सेल्फ क्लास में मैंने आपको बता दिया था, बहुत सी चीज़ें रह गई थी फ्रेंड, तो मैं आपको कंप्लीट सेल्फ कोर्स में जो जो आपकी डिमांड होगी वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। मैं आपको एक दिन लिस्ट भी बता दूँगी कि मैं क्या क्या बनाऊँगी। उस दिन मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि मैंने अपना सेल्फी मोड में मोबाइल रखा था और जो लिस्ट थी वो उल्टी आ गई, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको आज फर्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि आपको सेल्फ धागा किस तरह से चलाना है, प्रोफेशनल धागा, दोनों तरह के धागे बता दूंगी। वैसे बालों को हटाने का वैक्स भी एक अच्छा तरीका है, बट क्या होता है कि वैक्स से कई बार आईब्रो में मिस्टेक हो जाती है, तो हो सके जितना केवल आउट बाल आप निकाल सकते हैं पर परफेक्ट जो शेप होता है वो नहीं दे सकते हैं। वो शेप हम धागे से और प्लकर से ही देंगे, ठीक है। मैं धागे कई ब्रांड्स में आते हैं फ्रेंड, तो वाइट धागा भी आता है जो कॉटन का धागा होता है, वो टूटता बहुत है, और एक होता है नायलॉन धागा। तो नायलॉन धागा क्या होता है फ्रेंड, वो स्किन को बहुत जल्दी पकड़ करता है, तो कट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये ग्रीन कलर का धागा, ठीक है। आप इसको यूज़ करेंगे, ये नायलॉन प्लस कॉटन मिक्स रहता है और ये स्किन का पकड़ नहीं करता, बहुत अच्छे से बाल निकालता है और टूटता भी बहुत कम है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे आईब्रो तो सिलाई मशीन का धागा होता है, उससे भी बनाई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो भी नायलॉन का धागा होता है फ्रेंड, तो उससे क्या है वो स्किन की पकड़ करता है और हमारे कट्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस आने से पहले मैं आपको सब कुछ बताऊंगी मेरे हिसाब से, और आपके कमेंट्स होंगे तो मैं कमेंट्स में जो भी सवाल होंगे मैं उनको बिल्कुल क्लियर करूंगी और छोटी से छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगी। सेल्फ कोर्स में आपको सिखा रही हूँ, सेल्फ कोर्स वो है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ सको और ख़ुद की बॉडी की केयर कर सको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ में। ये धागा है तो आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ सेल्फ खुद का आईब्रो अपर लिप्स आप कैसे बना सकते हो। तो खुद का आईब्रो अपर लिप्स बनाने के लिए ये देखिए आपको एक धागा लेना है, धागे को आप इतना ले लीजिए कि दोनों हाथों से आप बहुत इजीली इसको चला सकें, ठीक है। तो मैंने ये इतना बड़ा धागा ले लिया है, ठीक है, ये मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और मैंने इसमें एक नॉट बांध लिया है, ठीक है। ये इस तरह से आपको नॉट बांध लेनी है, इस तरह से राउंड धागा आपके पास है, ठीक है, इसको लेना है और आपको इसको किस तरह से करना है। देखिए ये उंगली आपको ऐसे फंसा लेनी है और यहाँ से उंगली को फोल्ड करना है, आपको अलर्ट लगाने हैं, ठीक है। ऐसे चलेगा ये धागा, ये सेल्फ है। मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले तो आप जहाँ के भी बाल निकालें प्लीज़ पाउडर लगा लें। पाउडर के लिए अगर आप नाइसिल पाउडर लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एंटीसेप्टिक है फ्रेंड, अगर गलती से कट जाता है या स्किन थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है फ्रेंड, तो वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग है फ्रेंड आपका, तो कट लगना तो स्वाभाविक है और हाथ भी आपके काफ़ी रूढ़ चलेंगे, टाइट चलेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप डायरेक्ट आईब्रो अपर लिप्स पर बनाएंगे नहीं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको डायरेक्ट आईब्रो कहाँ पर सीखना है। तो आपको डायरेक्ट आईब्रो सीखना अपने पैरों पर, ठीक है, या कॉटन के कपड़े पर। आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए जिसमें रवें हों, ठीक है। जैसे मैंने ये पजामा पहन रखा है तो ये कॉटन का पजामा है, तो इसमें रवें निकले हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये इस तरह से चलाना था। मैं आपको एक मिनट आईब्रो पर बता देती हूँ, अगर देखो वैसे तो मैं आईब्रो बनाती नहीं हूँ फ्रेंड, ये देखिए एक दो बाल हैं तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए
दिखा आपको, ये प्रैक्टिस मांगता है फ्रेंड, बिना प्रैक्टिस के बाल नहीं निकलेंगे, ध्यान रखिए आप। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप प्लीज़ फेस पर तो बिल्कुल भी धागे को अप्लाई ना करें। इस तरह से चलेगा धागा आपका। बहुत छोटे छोटे बाल हैं फ्रेंड, दर्द हो रहा है, बाल निकल रहे हैं, वैसे दिखाई नहीं देते हैं बाल, क्योंकि बाल बहुत कम आते हैं फ्रेंड, तो आईब्रो भी बहुत कम बनाती हूँ मैं। दो चार बाल आपको दिख रहे हैं, बस यही दो चार बाल आते हैं फ्रेंड, और मुझे आईब्रो बनाना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ एक दो जो बाल हैं वो। आपको इस तरह से धागा चलाना है, ठीक है। पाउडर लगा कर बनाना है आपको, बिना पाउडर के बिल्कुल नहीं बनाना है, ठीक है। इस तरह से टंग लगा कर बनाइए, टाइट करके जगह को, जैसे आप फॉरहेड वगैरह भी बनाते हैं, फॉरहेड तो क्या बहुत टाइट होता है, हड्डी वाली स्किन है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आइस के नीचे जब आप बनाओगे, सेल्फ निकालोगे, तो आपको स्किन एकदम टाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, नहीं तो स्किन आपकी आ जाएगी और कट लग जाएगा। मेरी इतनी प्रैक्टिस है, उसके बाद भी दर्द होता है, तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका सेल्फ धागा, इससे आप अपने इमरजेंसी जो बाल होते हैं फ्रेंड आईब्रो में, अभी जैसे लॉकडाउन में काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन लगा रहा, तो पार्लर सभी बंद थे, महिलाएं बहुत परेशान हुई, गर्ल्स काफ़ी कॉल्स करती थी, मैम प्लीज़ पर्सनली बना दीजिए, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। तो मैंने ये सोचा, मैंने सोचा था कि लॉकडाउन में मैं क्लास स्टार्ट कर दूं, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फ्रेंड, तो लॉकडाउन में क्लासेस नहीं लगा पाई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, तो चलिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी क्लास से ज़रूर सीखेंगे, बहुत छोटी छोटी बातें आपके सामने लेकर आऊँगी, और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, उनको पूरा करने की कोशिश भी करूँगी। तो ये हो गया आपका सेल्फ, जिससे आप खुद अपने आईब्रो पर लिप्स के बाल निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रोफेशनल धागा, मतलब मुँह से पकड़ के हम खुद का आईब्रो अपर लिप्स नहीं बना सकते हैं, कस्टमर का या दूसरे का बना सकते हैं। जो सेल्फ है फ्रेंड वो इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी जल्दी से आ जाएगा। मुंह में फंसाना है, यहाँ से इसमें अलर्ट लगाना है, ठीक है, 5 या 6 अलर्ट लगा लीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा लगा लोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब आपको चलाना कैसे, देखिए मुंह को खींचना है आपको, ओके, देखिए ये आपके हाथ दोनों छोड़े, आपको मुँह खींचोगे उंगलियाँ ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगी। पीछे मुँह किया, फिर उंगली खुल गई, फिर मुँह खींचोगे आपकी उंगलियाँ बंद हो गई। आवाज़ आ रही है आपको धागे की? अगर ये आवाज़ आ रही है तो समझो आपके अलर्ट बिल्कुल सही लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस कहाँ करनी है, डायरेक्ट आप बालों पे, पैरों पर भी बालों पे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप डायरेक्ट करोगे तो फ्रेंड पैर के जो बाल होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, कॉटन के कपड़े पे मैंने आपको शेप बता दिया है, मैंने आपको शेप बता रखे हैं, उस तरह के कपड़े पर शेप बना लीजिए, और उसके बाद शेप के आसपास आपको इस तरह से जैसे आईब्रो का शेप है, उसके चारों तरफ आपको इस तरह से धागा चलाना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब आपकी कपड़े पर आपको लगने लगे कि हाँ अब मैं पैर पे कर सकती हूँ, तो आपको अपने पैर का यूज़ करना है, ठीक है। स्टार्टिंग अपने घुटने से कीजिए आप, ठीक है, तो आपको घुटने से स्टार्ट करना है, इस तरह से बाल निकालना,
फिर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होता जाए कि हाँ आपका हाथ काफ़ी अच्छा अच्छे से चलने लग गया है, तो आप नीचे उतरते जाइए ये इस तरह से। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 8 दिन 7 दिन 5 दिन, किसी को कम किसी को थोड़े से ज़्यादा, इस तरह का टाइम आपको लगेगा बाल आईब्रो का धागा चलाने में, ठीक है। अगर आपको धागा पकड़ना नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपको अच्छे से दोबारा से धागा पकड़ना और चलाना सिखा दूँगी। अब क्या होगा कि आपके आपने मान लो घुटने तक के आपने बाल निकाल लिए, अब आपको पैर के नीचे तक के बाल निकालने हैं, यहाँ पर बाल निकालने हैं, ओके। आपको तो आपको क्या करना है, आप आराम से चेयर पर बैठिए, अपने जो मुंह का धागा है उसको लंबा ले लीजिए, बाकी का आप मैंने जो बताया उस तरह से अलर्ट लगा लीजिए, और आपको इस तरह से ये देखिए कितना भी लंबा धागा कर सकते हैं आप, ठीक है। आराम से आप नीचे बैठ के आराम से अपने पैरों के बाल निकाल सकते हैं। लाइट हाथ एकदम लाइट चलाइए, एकदम टाइट हाथ आपका नहीं चलना चाहिए, पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए लाइट हाथ चलाने की। एक बार आप गौर से धागे की आवाज़ सुन लीजिए, ठीक है, कि मेरे धागा किस तरह से चल रहा है। स्टार्टिंग में हो सकता है क्या, नेचुरल सी बात है, आपका धागा टाइट चलेगा, फिर धीरे 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 प्रैक्टिस होगी और वो आप जो धागे की आवाज़ है वो चेंज हो जाएगी, इस तरह से आवाज़ आएगी आपकी, ठीक है। और आप कोशिश कीजिए कि हल्के हाथ चलाएं, एक एक दो दो बाल निकालें, जरूरी नहीं कि एक साथ को आपको सारे बाल निकालने कि एक बार में ही आपको सारी आईब्रो बनानी है, ठीक है। आप एक एक बाल निकालिए और जब भी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, जैसे आपकी 15 दिन की प्रैक्टिस हो गई, और अगर कोई भाभी मम्मी बनवाने के लिए रेडी हो, है ना, अगर रेडी हो तभी, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना कर रखिए कि हाँ मैं बना सकती हूँ। अगर आपको अंदर डर है कि नहीं अभी मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस और कर लीजिए, ठीक है। आईब्रो को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सबसे पहले आपको फोरहेड पे प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी मम्मी जी बोल देंगी कि हाँ बेटा जी अब आप बना सकते हो मेरी आईब्रो, तो आपको डायरेक्ट आईब्रो नहीं छेड़नी है, सबसे पहले आईब्रो पर आपको शेप बना लेना है। शेप भी आप थोड़ा सा दूर दूर बनाइए, ठीक है, जैसी आईब्रो है उसके थोड़ा सा दूर दूर शेप बना लीजिए, और उसके आउट बाल निकालने हैं आपको, ठीक है। फिर आपको अच्छे से टाइट पकड़ वाले नहीं है आईब्रो, और उसके बाद जो आपने लाइन बनाई हुई है थोड़ा दूर दूर लाइन बनाएंगे, उसके आउट बाल ही निकालने हैं। जब आपकी मम्मी भाभी चाची जो भी हैं वो एकदम संतुष्ट हो जाएं कि हाँ बेटा अब आप हमारे आईब्रो बना सकती हो, अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है अंदर हम लोगों को जब तक ट्रस्ट नहीं होगा कि हम बना सकते हैं, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके मन में डर रहेगा कि बिगड़ जाएगी, तो फ्रेंड आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल को या स्कूटी को सीखने के लिए फ्रेंड थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है और अपने अंदर विश्वास बिठाना पड़ता है कि हाँ हम कर सकते हैं, उसी तरह कोई भी काम हो, जरूरी नहीं आईब्रो, कोई भी काम हो, जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं जगाओगे जब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको सिखाया सेल्फ धागा और प्रोफेशनल धागा, मैं आपको स्पीच के जरिए सिखाया, मैंने एक ड्राइंग भी आपको बता दूंगी कि किस किस तरह की आईब्रो का शेप होता है। अब मैं आपको बता दूं आपने आईब्रो बना ली उसके बाद आपको क्या करना है। स्टार्टिंग का टाइम है फ्रेंड आपकी नेचुरल सी बात है, स्वेलिंग भी आनी है और एक दो कट भी लगने हैं, कोई बात नहीं, बहुत छोटी छोटी बात है ये, ठीक है। प्रैक्टिस के दौरान ऐसा होता रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लीजिए, अगर आप टोनर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, टोनर या एक्सट्रीएंट से आप मसाज करोगे कॉटन में लेके हल्की सी, तो बहुत ठंडक और रिलीफ मिलेगा उनको, ठीक है। एस्ट्रीजेंट का उपयोग करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहो अगर एस्ट्रीजेंट नहीं है आपके पास तो कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके अच्छे से आप 1 मिनट के लिए या 5 सेकंड के लिए मसाज दे दीजिए अच्छे से, तो काफ़ी रिलैक्स मिल जाएगा और जो हमारे पोर्स धागे खींचने हमारे जो पोर्स खुल जाते हैं वो बैठ जाएंगे फ्रेंड, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हैंड टू हैंड अगर आप मसाज कर देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जलन भी नहीं होगी और थोड़ी ठंडक महसूस होगी, ठीक है। और जो निशान पड़ जाते हैं धागे के वो भी दिखाई नहीं देंगे।
तो आज मैंने आपको बताया कि आपको धागा किस तरह से चलाना है। तो फ्रेंड आपको धागा सिखाना सिखाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो लेकर आऊँगी, हफ्ते में एक या दो ही वीडियो लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ आप देखते रहें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और आप मेरा वीडियो टाइम पर देख सकें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव भी आऊँ, आपके कमेंट्स रहे, आपकी डिमांड रही तो मैं लाइव भी आने की कोशिश करूँगी फ्रेंड, क्योंकि बच्चों में टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं आपके लिए कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ तो ज़रूर आऊँगी। तो आज मैंने आपको सिखाया, जाते जाते एक बार मैं धागा पकड़ना और आपको बता देती हूँ। ये स्टार्टिंग है, ठीक है, देखो स्टार्टिंग कैसे रहेगी आपकी, आपने अलर्ट लगा दिया, अब देखो आपकी स्टार्टिंग कैसी रहेगी, ये आपकी स्टार्टिंग रहेगी है। उसके बाद थोड़ी प्रैक्टिस होगी, ये आ जाएगी, थोड़ी और प्रैक्टिस होगी, ये आ जाएगी, थोड़ी और प्रैक्टिस होगी, ये आ जाएगी, फिर जब आपकी परफेक्ट 15 या 20 दिन के बाद, इस तरह की आवाज़ हो जाएगी। और जब आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, 1 मंथ अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके धागे की आवाज़ ऐसी हो जाएगी। बताइए कौन सी आवाज़ ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए आज से धागा उठाइए, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। आपको धागे की प्रैक्टिस बिल्कुल बंद नहीं करनी है, जहाँ तक मेरा सेल्फ कोर्स चलेगा वहाँ तक आपकी प्रैक्टिस चलेगी। अगर आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, धागा आपको बंद। फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।